हेलो। हाय एंड वेलकम बैक टू द वीडियो सीरीज लेक्चर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स 6 इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के बारे में। इस वीडियो लेक्चर को शुरू करने से पहले और सिलेबस के अंदर जो चैप्टर्स हैं वो पढ़ाने से पहले हम सिलेबस को जान लेंगे अच्छे तरीके से, और सिलेबस में क्या दिया है और हमें कौन से पॉइंट ऑफ व्यू से वो देखना है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम जो पढ़ाई करते हैं वो किस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, जॉब ओरिएंटेड पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर सिर्फ एकेडमिक और स्कोरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। और यूनिवर्सिटी ने ये जो सब्जेक्ट है वो क्यों हमारे लिए असाइन किया है, क्यों हमारे लिए वो मॉड्यूल में इंक्लूडेड है, वो हमें जानना बहुत ज़रूरी है। तो हमारे पास 4 मॉड्यूल्स हैं। इन 4 मॉड्यूल्स को अलग अलग नंबर ऑफ लेक्चर्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला मॉड्यूल है इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो उसका इंट्रोडक्शन हमें बताया गया है। सेकेंडली, जब हम इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं तो कुछ कमर्शियल पॉलिसीज़ है जो सेकेंड मॉड्यूल में हमें बताई गई है, और जब इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं तो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों होता है, और जब इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट होता है तो हमारे कंट्री का बैलेंस ऑफ पेमेंट एक अकाउंट बनता है, और वो बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट जो है वो हमें इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में पढ़ना है। उसी के बाद हम पढ़ते हैं इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस है जो हमें ट्रेड के लिए, जो हमें ऑर्गेनाइजेशंस के लिए हमारे बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए बनाया जाता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन 3rd मॉड्यूल में है। देन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, जो फॉरेक्स मार्केट कहा जाता है, उसका फुल फॉर्म है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, उसके बारे में भी हमें बताया गया है। अगर आप कोई फाइनेंशियल एनालिस्ट बनना चाहते हो, या फिर आप इंटरनेशनल ट्रेडर या मार्केट एनालिस्ट बनना चाहते हो, या फिर इकोनॉमिक एनालिस्ट बनना चाहते हो, तो आपके लिए ये सब्जेक्ट बहुत ही मायने रखता है। नाउ मॉड्यूल नंबर 1 में इन डिटेल जब हम देखेंगे तो थियरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड है, जहाँ पे रिकार्डोस थियरी ऑफ कंपेरेटिव कॉस्ट एंड हैक्सेकर ओलिन थियरी, ये दो थियरी हमें पढ़ने हैं, और ये दो थियरी जो है इंटरनेशनल ट्रेड से रिलेटेड है, हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंगली है। देन टर्म्स ऑफ ट्रेड, टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या है, उनमें टाइप्स क्या है और उनके लिमिटेशंस क्या है वो भी हमें पढ़ने हैं, और गेन्स फ्रॉम इंटरनेशनल ट्रेड, ऑफर कर्व्स एंड रेसिप्रोकल डिमांड, हमारे पास इंटरनेशनल ट्रेड से हमने क्या गेन किया और हमें ऑफर कर्व्स और रेसिप्रोकल डिमांड्स क्या है वो पता चलेंगे मॉड्यूल नंबर 1 में। अगर आप सीरियसली इंटरनेशनल ट्रेड एनालिस्ट बनना चाहते हो, या फिर आप अपने खुद इंटरनेशनली किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो आपको ये थियरी आना बहुत ज़रूरी है। और जब आप खुद एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का और उसका जो ग्रोथ है टूवर्ड्स द लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज एंड मल्टीनेशनल कंपनी जब हम देखते हैं, तो टर्म्स ऑफ ट्रेड जो है वहाँ पे इंक्लूडेड होता है, एंड गेन्स फ्रॉम इंटरनेशनल ट्रेड्स क्या है वो भी हमें उस बिजनेस के लाइफस्टाइल के हिसाब से, उस बिजनेस के ग्रोथ के हिसाब से हमें पता चलता है। देन नेक्स्ट मॉड्यूल हमने देखा कमर्शियल पॉलिसीज है, जहाँ पे ट्रेड पॉलिसी बताया गया है, फ्री ट्रेड एंड प्रोटेक्शन, प्रोज एंड कॉन्स, यानी फ्री ट्रेड पॉलिसीज़ क्या है, हमें क्या प्रोटेक्शंस मिलते हैं, हमारे प्रोज एंड कॉन्स यानी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है वो हमें पता चलता है। देन टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स, उनके मीनिंग्स एंड टाइप्स जो है वो यहाँ पे हमें पढ़ने मिलेंगे। टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स में दो ही फ़र्क है, एक सिंपल फ़र्क है, टैरिफ में मॉनिटरी चार्जेस लगते हैं, ठीक है, नॉन टैरिफ बैरियर्स में कुछ पॉलिसीज या फिर कुछ अलग जो नॉन मॉनेटरी बैरियर्स है वो यहाँ पे हमें लगाया जाता है। बैरियर्स का मतलब है रुकावट, सो टैरिफ यानी मॉनेटरी, जैसे कि आपके जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट चार्जेस है, ऑक्ट्रॉय चार्जेस जैसे हमारे लोकल में लगते हैं, वैसे ही वहाँ पे आपको पोर्ट्स में, इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स में जब आप एंटर करोगे तो आपको गवर्नमेंट के कुछ टैक्सेस पे करने पड़ेंगे, वो है टैरिफ। देन टैरिफ में हम मीनिंग पढ़ेंगे, टाइप्स एंड इफेक्ट्स पढ़ेंगे। देन उसके बाद इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, इतना जो मल्टीनेशनल कंपनी बना है वो इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के ऊपर बना है। जैसे कि टाइप्स हमें बताए जाएंगे इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन में, कि अलग अलग कंट्रीज़ के लोग एक साथ आते हैं और वो
अलग अलग रीजन के हिसाब से, अलग अलग कंट्रीज़ के हिसाब से, अलग अलग इंटरेस्ट के हिसाब से वो अपने ग्रुप्स को इंटीग्रेट करते हैं, अपने इकोनॉमी को इंटीग्रेट करते हैं, ग्रुप्स क्रिएट करते हैं एंड देन वो बिजनेस शुरू करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अपने पास है EU, यूरोपियन यूनियन, और ब्रेग्जिट है और एशियन है। देन बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। बैलेंस ऑफ पेमेंट में हमें उनका जो मीनिंग है, उनका जो स्ट्रक्चर है, उनके जो टाइप्स ऑफ डिसइक्विलिब्रियम है वो हमें पढ़ने हैं, ठीक है। बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर हमें बहुत सारे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर, देन करंट एक्सपेंडिचर, ऐसे अलग अलग टर्म्स और वर्ड्स हमें पढ़ने मिलेंगे। देन कॉजेज एंड मेजर्स टू करेक्ट द डिसइक्विलिब्रियम इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या कॉजेस है, क्या तकलीफें हैं, और उनका जो मेजर्स है करेक्ट करने के लिए हमारे पास डिसइक्विलिब्रियम जो बैलेंस है वो करेक्ट करने के लिए हमारे पास क्या मेजर्स है। देन WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, उनके रिसेंट डेवलपमेंट्स क्या है, ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है, और ट्रिप्स ट्रिम्स एंड गैट्स में क्या क्या चेंजेस आए हैं, क्या क्या नए नए अपडेट्स आए हैं वो हमें पता चलता है इस लेसन को पढ़ने के बाद। देन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है हमारे पास, जिसको हम फॉरेक्स मार्केट भी कहते हैं। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट मीनिंग, फंक्शन, डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम, रेट ऑफ एक्सचेंज, ये दो चीज़ हमें बताती है, ठीक है। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में हमें इंटरनेशनली कैसे मॉनेटरी एक्सचेंज करना है वो सिखाती है। देन परचेजिंग पावर पैरिटी थियरी हमें पढ़ना है, उसके बाद स्पॉट एंड फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट्स हमें पढ़ना है, आर्बिट्रेज हमें पढ़ना है। ये सारे एक्सचेंज रेट के हैं, ये सारे ट्रेडिंग के हिसाब से हमें पढ़ना होता है कि हमें कितना प्रॉफिट मिलेगा, कब मिलेगा, और हम स्पॉट ट्रेड करेंगे तो क्या होगा, फॉरवर्ड एक्सचेंज करेंगे तो क्या होगा, आर्बिट्रेज करेंगे तो क्या होगा, ये सारी चीज़ें हमें इस मॉड्यूल में मालूम पड़ती है। देन रोल ऑफ सेंट्रल बैंक इन फॉरेन एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट। सेंट्रल बैंक यानी हर एक कंट्री का एक सेंट्रल बैंक होता है, जैसे हमारे कंट्री का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, तो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया का जो रेट मैनेजमेंट है, एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट है वो क्या है, फॉरेन एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट है वो क्या है। मतलब अगर इंडियन करेंसी का वैल्यू फॉरेक्स मार्केट में कम हो रहा है तो उसके लिए हम क्या नया पॉलिसीज लाएंगे, और ये जो नए भी पॉलिसीज लाएंगे, जो भी एक्टिविटी करेंगे वो RBI यानी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया करेगी। देन मैनेज फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम ऑफ इंडिया। जो भी फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम है वो हमें मैनेज करना है, और हमारे जो इंडियन फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम है उसके बारे में भी हमें पता चलता है कि ये कैसे मैनेज होता है और किस तरीके से हम इसको हैंडल कर सकते हैं। तो ये चार मॉड्यूल है हमारे लिए, और ये चार मॉड्यूल आपको एक्सप्लेन करना बहुत ही इम्पोर्टेंट था, ठीक है। अगले वीडियो में मिलेंगे एक शुरुआत के साथ, और वहाँ पे होगी इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल ट्रेड, एंड देन उसके बाद थियरीज पढ़ेंगे, टर्म्स ऑफ ट्रेड पढ़ेंगे। टिल देन टेक केयर, थैंक यू, बाय, सी या।